हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों, किया ने अपनी गाड़ियों में बहुत ही मस्त एडिशन उतारा है ग्रेविटी एडिशन के नाम से। सोनेट, सेल्टॉस और कारेंस, इन तीन गाड़ियों में ग्रेविटी एडिशन आया है, जिसमें मैं सोनेट और सेल्टॉस कवर कर चुका हूं। आज बात करने जा रहे हैं किया कारेंस के ग्रेविटी एडिशन की और चेक करेंगे क्या है इस गाड़ी में खास। किया कारेंस ग्रेविटी एडिशन में दोस्तों कई एक्सक्लूसिव फीचर्स आपको मिल जाएंगे, जो कि कह लीजिए इस गाड़ी के टॉप मोस्ट वेरियंट पर भी नहीं मिलेंगे। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। दोस्तों, ये है किया कारेंस ग्रेविटी एडिशन, जिसकी प्लेसिंग जो है वो इसके बेसिक वेरिएंट प्रीमियम, उसके ऊपर प्रीमियम ऑप्शनल और उसके ऊपर सीधे आ जाता है ग्रेविटी एडिशन। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में। तो देखिए, ये गाड़ी तीन चॉइसेस में, यानी तीन ट्रांसमिशन चॉइसेस में मिल जाएंगे। इसमें आपको 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा, जो कि ये पर्टिकुलरली गाड़ी आपके सामने खड़ी है। इसके अलावा इसमें और चॉइसेस आ जाएंगी, 1.5 लीटर का टर्बो इंजन भी दे रखा है, 6 स्पीड IMT यानी इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन पे, और इसमें 1.5 लीटर का डीजल इंजन भी आएगा 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे। ये पर्टिकुलरली पेट्रोल नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन वाली गाड़ी आप चेक कर रहे हैं, जिसका पावर है 115 PS का और टॉर्क है 144 Nm का। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले इस गाड़ी के एक्सटीरियर प्रोफाइल की और देखते हैं ग्रेविटी एडिशन में एक्सटीरियर में क्या कुछ आपको मिलेगा। तो देखिए, सोनेट की तरह ये सोनेट खड़ी है, मैं सेल्टॉस भी कवर कर चुका हूँ। और कारेंस की बात करते हैं तो कारेंस ग्रेविटी एडिशन बहुत ऊपर या फिर कह लीजिए मिडिल प्लेस नहीं किया गया है, ये बेसिक से ही तरीके से ऊपर वाले वेरिएंट प्लेस है। तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स आपको इस गाड़ी में नहीं मिलेंगे, लेकिन जो कुछ है वो आपका दिल जीत लेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी के फ्रंट लुक के। तो देखिए, यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश की ये ग्रिल दी हुई है, जिसमें देखिए सिल्वर इंसर्टेड ये लाइन्स देख सकते हैं, इस गाड़ी को प्रीमियम बनाती है। नीचे की तरफ इसकी ट्रेड भी चेक करिए, सिल्वर फिनिश की आपको इसमें मिलेंगी। इसके अलावा हेडलैम्प्स यहाँ पर आपको एक नॉर्मल हैलोजन रिफ्लेक्टर्स वाले मिलेंगे। ऊपर साइड पर ये पोजिशनिंग लाइट यहाँ पर प्लेस की हुई है। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं और साइड से आपके कंप्लीट व्यू चेक करा देते हैं इस गाड़ी का। तो ये देखिए, ये है साइड लुक। साइड में ग्रेविटी एडिशन पे यहाँ पे ग्रेविटी का ये देखिए एम्बलम को प्लेस किया गया है फ्रंट के दोनों डोर्स पे। व्हील्स की बात करेंगे तो दोस्तों, इसमें आपको स्टील व्हील्स मिलेंगे, जिसके ऊपर फुल व्हील कैप्स है इस वाले एडिशन पे। इस वाले यानी कारेंस में जो है ग्रेविटी में आपको एलॉयज नहीं मिलेंगे सोनेट या फिर सेल्टॉस की तरह। यहाँ पे एक नॉर्मल व्हील्स, स्टील व्हील्स मिलेंगे, फुल व्हील कैप्स मिलेंगे। साइज देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 195/65 R15 इंच के ये व्हील्स इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। इंडिकेटर जो हैं वो मिरर्स पर ही प्लेस्ड हैं। साइड में नीचे तरफ आप क्लैडिंग चेक कर लीजिए, और इस साइड से पूरा कंप्लीट एक व्यू कारेंस का मैं आपको दिखा देता हूँ। बैक साइड पे आते हैं और पीछे का पूरा व्यू देख लीजिए इसका। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको टेल लैंप्स चेक कर लीजिए, ऑन कर दिए हैं, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहे होंगे कनेक्टिंग पैटर्न वाले टेल लैंप्स आपको इसमें नहीं मिलेंगे। ऊपर साइड पे साफ एंटीना मिल जाएगा, एक इंटीग्रेटेड हालांकि स्पॉइलर है, जो कि इसके डिज़ाइनिंग पार्ट है, क्योंकि इसमें जो है सोनेट या फिर सेल्टॉस की तरह कोई एडिशनल स्पॉइलर को अटैच नहीं किया है। और सेंसर्स बैक साइड वाले मिलेंगे, कैमरा आपको इसमें पीछे का मिल जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे मैंने आपको एक्सटीरियर लुक इसका चेक करा दिया, अब इंटीरियर्स में देखते हैं। और इंटीरियर्स में दोस्तों बेसिकली जो है वो एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं। तो सबसे पहले एक्सक्लूसिव फीचर्स की बात करते हैं। तो देखिए, इसकी सीटें खास हैं, ये आपको मिलती हैं ब्लैक कलर के लेदराइड मटेरियल पे। जी हाँ, देखिए बहुत ही कह लीजिए बेसिक से ही एक तरीके से ऊपर वाला वेरिएंट है, उसी में आपको लेदर सेटिंग्स मिल जाती हैं, जो कि कह लीजिए गाड़ियों के नॉर्मली टॉप वेरिएंट में मिलती हैं। ये आपको कारेंस के ग्रेविटी एडिशन में मिलेंगी। तो प्रीमियम क्वालिटी की यहाँ पे सीटें प्रोवाइड की गई हैं, और इवन डोर आर्मरेस्ट जो हैं ये भी प्रीमियम क्वालिटी के हैं। ये सब देखिए, ये वाला पैनल भी इसमें सॉफ्ट दिया हुआ है लेदराइड ट्रिम में, और ये वाला पैनल भी देखिए इसमें सॉफ्ट लेदर ट्रिम पे दे रखा है। तो यहाँ पे इस गाड़ी की ये खासियत है, सीटें प्रीमियम हो जाएंगी। बैक बस सीटें भी दिखा देता हूँ, तो पीछे की भी यहाँ पे सब चेक कर लीजिए। ये जितनी भी आप सेकेंड रो इवन थर्ड रो सीट्स देख रहे हैं, इस सब जो है प्रीमियम लेदराइट मटेरियल पे दे रखी हैं। और डोर जो हैं बैक साइड वाले भी सब आपको प्रीमियम लेदर ट्रिम पे मिलेंगे। डोर वाले जो लेदर है ये बेज कलर पे है, और सीटों का ब्लैक कलर पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये एक एक्सक्लूसिव चीज़ हो गई। एक और एक्सक्लूसिव चीज़ है, वो भी आपको दिखा देता हूँ, जो कि कह लीजिए इस गाड़ी के हालाँकि आपको टॉप मोस्ट वेरियंट पर भी नहीं मिलेगी, वो आपको मिल जाएगा ग्रेविटी एडिशन पे, डैश कैम। बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है छोटी सी चीज़, लेकिन दोस्तों वक्त आने पर ये आपकी बहुत काम आ सकता है।
सकती है। मान लीजिए अगर कोई हादसा होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, आपकी गलती नहीं है, ये रिकॉर्ड कर लेगा कि भाई इसमें आपकी गलती नहीं, सामने वाले की गलती है। इसमें फ्रंट में भी कैमरा लगा है, केबिन में भी कैमरा लगा है, तो यहाँ पर डुअल कैमरा सेटअप वाला डैश कैम मिल जाता है, जिसका मेमोरी कार्ड इधर साइड पर लगेगा। तो यहाँ पर मेमोरी कार्ड लगते ही ये डैश कैम शुरू हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, सिर्फ आपको ग्रेविटी एडिशन के लिए एक्सक्लूसिव रखा हुआ है। इसके अलावा देखिए तो सनरूफ भी दोस्तों आपको इसमें मिल जाएगी। जी हाँ, ये देखिए, जिसको सनरूफ प्रेमी है, जिसको सनरूफ चाहिए, उसके लिए तो ये एडिशन बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे आपको कम प्राइस रेंज में जो है मिल जाती है सनरूफ। प्राइस की बात अभी वीडियो के लास्ट में आपको कम्प्लीटली बता दूंगा प्राइसेस क्या क्या इस गाड़ी के। बाकी देख लीजिए, बेहतरीन फीचर सनरूफ। अगर आपको अभी तक क्या था, कारंस में सनरूफ चाहिए थी तो प्रेस्टीज प्लस ऑप्शनल वेरिएंट में आपको जाना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे काफ़ी स्टार्टिंग वेरिएंट से ही आपको सनरूफ मिल जाएगी। तो ये भी इसका एक एक्सक्लूसिव फीचर हो गया। और इवन लाइट्स की बात करते हैं तो देखिए, सब आपको एलईडी लैंप्स मिलेंगे। अगेन एक प्रीमियम चीज़ ग्रेविटी एडिशन के लिए यहाँ पर कर दी गई है। प्रीमियम लाइट्स मिल जाएंगी, प्रीमियम एलईडी लाइट्स आपको मिलेंगी इसके केबिन में। और सनग्लास होल्डर यहाँ पे आप देख लीजिए। तो ये है इस गाड़ी के एक्सक्लूसिव फीचर्स। इवन जो है, जब स्टेयरिंग चेक करेंगे तो ये भी इसमें दिया हुआ है लेदर रैप। अब लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील स्टार्टिंग वेरिएंट्स में नहीं आता, डेफिनेटली टॉप वेरिएंट्स में आपको मिलेगा, बट यहाँ पे काफ़ी स्टार्टिंग वेरिएंट्स ही ग्रेविटी एडिशन पे लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील डी कट फ्लैट बॉटम वाला इस सेट पर देखिए तो कारंस को मेंशन किया हुआ है। तो ये है इस गाड़ी के एक्सक्लूसिव फीचर्स, मैंने आपको पहले बता दिए हैं। अब चलिए बात करते हैं सारे फीचर्स को, दिखाते हैं क्या क्या और फीचर्स दे रखे हैं इस गाड़ी में। तो देखिए, चारों पावर विंडोज आपको इसमें मिल जाएंगे। आउटसाइड मिरर सिर्फ ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल्स हैं। ओपन क्लोज दोस्तों आपको इसमें ये देखिए मैन्युअली करने पड़ेंगे। बाकी स्पीकर्स और ट्यूटर्स आपको मिल जाएंगे। एडजस्टमेंट सेटिंग्स का यहाँ पे जो है ये मैनुअल हाइट एडजस्टेबल और मैनुअल सेटिंग्स का दिया गया है। और की बात करते हैं तो ये देखिए, इसमें आपको है खूबसूरत की, दिखेगी आपको ये एक स्मार्ट की जैसी, लेकिन ये एक्चुअल में है रिमोट सेंटर लॉकिंग वाली की, जो कि देखिए कुछ इस तरीके से फ्लिप होके ये वर्क करती है। लॉक अनलॉक और बूट ओपनर के इसमें बटन दिए हुए हैं। चलिए इग्निशन ऑन करते हैं और चलिए सबसे पहले चलते हैं सीधे बैक साइड पे और आपको पीछे के से स्टार्ट करते हैं केबिन को एक्सप्लोर करना। बूट एरिया चेक कर लीजिए, ये है 7 सीटर, जिसमें सबसे आगे 2 लोग, सेंटर पे 3 लोग और पीछे की तरफ यहाँ पे 50-50 स्प्लिट के साथ जो है यहाँ पे 2 लोग बैठ सकते हैं। और जब सब सीटें दोस्तों ये अपनी जगह पे रहेंगी, देखिए मैं इसको पहले पूरा रिक्लाइन भी कर देता हूँ, क्योंकि इसमें अच्छी चीज़ ये है कि जो थर्ड रो सीट है उसको भी आप रिक्लाइन करके अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जब पूरी रिक्लाइंड हो जाएगी तो देखिए यहाँ पर आपको एक लिमिटेड स्पेस मिलेगा लगेज को रखने के लिए। बट इसको अगर हम थोड़ा सा भी स्ट्रेट कर देते हैं तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको बेटर स्पेस हो जाएगा। तो ये आपकी चॉइस, आप किस तरीके से सीटों को कर सकते हैं। इवन अगर पीछे कोई नहीं बैठा हुआ है तो इस तरीके से आप गिरा दीजिए और बना लीजिए एक बेहतरीन स्पेस। इवन सेकेंड रो सीट भी आप बेंड करके एक काफ़ी बड़ा साइज़ का भी लगेज आप इसमें कैरी कर सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है, आप किस तरीके से इसकी सीटों को रखना चाहते हैं। चलिए अब जरा मैं इनको वापस अपनी जगह रख देता हूँ, क्योंकि अभी हम इसमें थर्ड रो सीट में बैठ के आपको इसका स्पेस भी दिखाएंगे। इसको मैं कुछ इतना रिक्लाइन करके ऐसे छोड़ देता हूँ। चलिए अब इधर देख लेते हैं। तो बूट लैंप हालांकि इस वेरिएंट पे नहीं दिया हुआ है, इस साइड पे देखिए तो यहाँ पे आपको टूल्स रखने के लिए स्पेस है और जो स्पेयर व्हील है वो इधर इधर नीचे की तरफ लगा हुआ है। तो यहाँ पे बूट एरिया मैंने आपको दिखा दिया है। अब पहले बैठते हैं इस गाड़ी की सेकेंड रो सीट में और देखते हैं क्या कुछ है कारंस के ग्रेविटी एडिशन पर। तो देखिए इस समय मैं बैठा हुआ हूँ इस गाड़ी की सेकेंड रो सीट पर और आप चेक कर लीजिए यहाँ पर कंफर्ट लेवल को। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट है तो अपने हिसाब से इसको मैं सेट भी कर सकता हूँ। इवन जो है ये देखिए, इसमें आपको मिल जाएगा आर्मरेस्ट। कप होल्डर नहीं है बट स्टिल आर्मरेस्ट होने की वजह से सीटें जो है ये काफ़ी कंफर्टेबल बन जाती हैं। और इस साइड पे देखिए सन कर्टेन भी लगा हुआ है। देखिए हटा दिया तो रोशनी तेज आने लगी, लगा दिया तो एक तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा धूप भी कंट्रोल हो जाएगी और कह लीजिए जो है कुछ हद तक यहाँ पे प्राइवेसी भी ये मेंटेन करेगा। बाकी लेगरूम आप देख लीजिए इस गाड़ी में कितना दिया हुआ है। इसमें जो है सीट्स मैं स्लाइड कर सकता हूँ, अभी ये पूरी आ गए हैं। और ये जो ड्राइविंग सीट है, मेरी हाइट 5'8" के अकॉर्डिंग सेट है और देखिए इसमें कितना बेहतरीन अभी लेगरूम है। अब मैं चाहूँ तो इसको और बढ़ा भी सकता हूँ, इसको मैं अगर पीछे कर दूँ तो देखिए ये तो बहुत ज़्यादा बहुत ही बेहतरीन लेगरूम बन गया। अगर किसी की हाइट मुझसे ज़्यादा है तो वो भी आराम से इसमें बैठ सकता है, बट मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं अगर इतना भी रखता हूँ तब भी मैं इसमें देखिए आराम से बैठा हुआ हूँ। तो यहाँ पे स्पेस की कोई कमी नहीं है, स्पेस आपको कारंस में काफ़ी बढ़िया मिलता है। और बाकी
ब्लोवर यूनिट्स आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। पीछे की इस साइड पे दो टाइप सी चार्जिंग पॉइंट दे रखे हैं, इधर एक पॉकेट दी हुई है और इधर भी इवन पॉकेट्स हैं सीट्स के बैक साइड पे, ऊपर साइड यहाँ पे देखिए टॉप पे ये रूफ पे लगे हुए हैं इसके एसी वेंट्स। और इस साइड पे मैंने आपको दिखाई दी जितनी भी लाइट्स हैं वो सब एलईडी बेस्ड हैं। और ये देखिए हल्का सा अंदर की तरफ चले जाएंगे आपको सॉफ्ट है, देखिए कितने स्मूथली ये जा रहे हैं। ये सब चीज़ें क्वालिटी बताती है कि भाई कितना बढ़िया क्वालिटी का इसमें जो है ग्रिप्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको चेक कराया इधर की चीज़ें, अब चलिए निकलते हैं और चलते हैं ज़रा गाड़ी के पीछे की तरफ बैठते हैं। ये सीट मेरे हिसाब से सेट है, हालांकि इसको भी आप थोड़ा बहुत इसके बैक रेस्ट को रिक्लाइन करके अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, बट जिस हिसाब से मैं बैठा था मैं कम्फर्टेबली इसमें बैठा हुआ था। अब उस साइड से चलते हैं पीछे थर्ड रो पे। चलिए अब ये वाली सीट को करते हैं टिप एंड डंबल। यहाँ पे दिया हुआ है एक इलेक्ट्रिक बटन, इसको जब प्रेस करेंगे तो ये देखिए है ना बेहतरीन फीचर अपने आप हो गई टिप डंबल और आ गए हम इसमें पीछे की तरफ। और ये देखिए अब यहाँ बैठ के मैं आपको दिखाता हूँ स्पेस। इधर के भी जो हेडरेस्ट हैं ये भी हाइट एडजस्टेबल हैं और देखिए ये है इस गाड़ी का बेस्ट पार्ट, आपको थर्ड रो में भी मिलता है बेहतरीन यहाँ पे लेग रूम। ये देखिए यहाँ पे कोई भी मेरे पैर इसमें टच नहीं हो रहे हैं, तो अगर किसी की हाइट मेरे बराबर है मुझसे थोड़ी बहुत ज़्यादा है तो वो भी आराम से इस गाड़ी की थर्ड रो सेटिंग में बैठ सकता है। और मैंने आपको दिखाया था इसमें रिक्लाइनर फीचर भी है, ये देखिए इतनी ये रिक्लाइन होकर पीछे चली जाती है तो अपने हिसाब से सीटों को कम्फर्टेबल बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलता है बहुत ही बढ़िया स्पेस कार की थर्ड रो सेटिंग पर, और पीछे वालों को भी गर्मी नहीं लगेगी क्योंकि यहाँ पे आपको बैक साइड पे भी दिए हुए हैं ये एसी वेंट्स और इस साइड पे भी आपको लाइट्स मिल जाएंगी। इधर देखिए टाइप सी चार्जिंग पोर्ट थर्डो वालों के लिए प्रोवाइड करा दिया, कप होल्डर इधर दे रखे हैं और देखिए यहाँ पे भी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, यानी पीछे दो लोगों के लिए टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाएंगे। तो मोबाइल चार्जिंग के लिए तो भाई बहुत ही सारे पोर्ट्स दे रखे हैं, पीछे भी दो है, इधर जो है सेंटर रो पे भी जो है दो चार्जिंग पॉइंट, यानी चार फ़ोन तो आप एक साथ चार्ज कर सकते हैं। अभी आगे चलेंगे तो देखेंगे आगे कितने इसमें दे रखे हैं चार्जिंग पॉइंट्स। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने सेकेंड रो एंड थर्ड रो चेक करा दी है, अब चलिए बात करते हैं ड्राइविंग सीट में बैठ के देखते हैं बाकी और फीचर्स। चलिए अब बात करते हैं ड्राइविंग सीट पे बैठ के ग्रेविटी एडिशन को करते हैं एक्सप्लोर और देखते हैं बाकी फीचर्स। जितने भी हाइलाइटेड फीचर्स थे, जितने भी ग्रेविटी एडिशन के कह लीजिए एक्सक्लूसिव फीचर्स थे, वो तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। अब थोड़ा सा ड्राइविंग सीट में बैठ के पहले तो आपको एक झलक आगे के सिटिंग कंफर्ट दिखाता हूँ। तो देखिए आगे भी इसमें बहुत ही कम्फर्ट है दोस्तों, आगे भी हेडरेस्ट हाइट एडजस्टेबल है, यानी कह लीजिए सारे रो सीट्स के जो हेडरेस्ट हो गए वो हाइट एडजस्टेबल इसमें दिए हुए हैं और कोई कमी नहीं है। हेडरूम भी अच्छा है, इवन हम सीट्स को ऊपर नीचे भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इस समय तो मैंने सीट इतनी ऊंची कर रखी है कि मुझे प्रॉपर तरीके से पूरा बोनट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो सीटें कंफर्टेबल हैं कारेंस की सभी रो की। चलिए फीचर्स की बात करते हैं, तो फीचर्स में देखिए जब आप इस गाड़ी को पहले तो थोड़ा सा बात करता हूँ इस गाड़ी के अंदर इंटीरियर की, तो देखिए हल्का सा ब्लू कलर का यहाँ पर यानी इंडिगो कलर का ये फिनिश दिया हुआ है। इस साइड पर आपको ब्लैक कलर की फिनिश मिलेगी और ये देखिए स्टिचिंग्स वाला पैटर्न मिल जाएगा, बट हालांकि ये सब हार्ड प्लास्टिक है, कोई भी यहाँ पे सॉफ्ट ट्रिम जो है डैशबोर्ड में नहीं है, सॉफ्ट ट्रिम सिर्फ आपको यहाँ पे इसके डोर ट्रिम्स में मिलेंगे। अच्छी चीज़ है यहाँ पे देखिए आपको 8 इंच का टच स्क्रीन म्यूजिक मिल जाएगा जिसमें एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो जैसे फीचर्स हैं और ये आप कनेक्ट कर सकते हैं हाँ वायरलेसली, यानी वाईफाई के थ्रू ये कनेक्ट हो जाएगा आपके फ़ोन से और नेविगेशन को आप इसमें यूज़ कर पाएंगे, इनबिल्ट नेविगेशन इसमें नहीं आता है। इसके अलावा यहाँ पे जो क्लस्टर है ये आपको मिलता है डिजिटल, जिसमें काफ़ी सारे यहाँ पे इंफॉर्मेशंस हैं, चेंज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ये देखिए कस्टमाइज़ कर सकते हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम हाईलाइन टाइप है, हर व्हील का ये प्रेशर यहाँ पे दिखाएगा। इस साइड पे स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स हैं, इस साइड पे क्लस्टर के कंट्रोल्स हैं और ये एडजस्टेबल है, यहाँ पे हम इसको टिल्ट पोजीशन पे सेट कर सकते हैं और देखते हैं टेलीस्कोपिक नहीं है इसमें, टिल्ट पोजीशन पे आपको स्टीयरिंग एडजस्टमेंट मिलेगा। इसके बाद एसी यूनिट की बात करेंगे तो ये मैनुअल यूनिट आपको इसमें मिलेगी, देखिए बहुत ऊपर वाला वेरिएंट नहीं है तो बहुत सारे चीज़ें तो नहीं होंगे, बट स्टिल जो भी चीज़ें हैं वो सब कह लीजिए यहाँ पे ज़रूरत की आपको इसमें मिलेंगी। इस साइड पे देखिए तो यहाँ पे आपको एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट इधर की तरफ दे रखा है, यानी टोटल कितने हो गए, पीछे दो, उसके पीछे दो और आगे एक, टोटल पाँच फ़ोन आप एक साथ चार्ज कर सकते हैं। और एक अटैचमेंट ले लीजिए तो 12 वोल्ट के एसएससी सॉकेट से भी आप इसमें फ़ोन या फिर कुछ और चीज़ें स्टार्ट यानी चार्ज कर सकते हैं। पेंटर लगाने का ऑप्शन इस साइड पे दिया हुआ है, इधर आपको स्पेस मिलेगा मोबाइल या फिर कोई सामान को रखने के लिए, वायरलेस चार्जर्स में नहीं आता है। इसके बाद इस साइड पे देखिए तो कुछ कप होल्डर दे रखे हैं, आगे की तरफ इस भी देखिए आर्मरेस्ट जो है वो लेदर ट्रिम पे है और देखिए अच्छा स्पेस है यहाँ पे,
सामान मतलब हर का आप इसमें भी रख पाएंगे। बॉक्स चेक कर लीजिए, ये रहा इस गाड़ी का ग्लव बॉक्स स्टोरेज स्पेस। किया की मेरे ख्याल से मैंने सोनेट भी चेक कराया था, सेल्टॉस भी चेक कराया था, कारंस भी दिखा रहा हूँ, किसी में भी कूल्ड ग्लोव बॉक्स नहीं आता है। और इधर तक देखते हैं, हालांकि इधर कुछ भी स्पेसेस नहीं है, जैसे इसके अपर वेरिएंट में यहाँ पे एक की होल्डर आता है, इस साइड पे कप होल्डर आता है, वो आपको इस वेरिएंट पे नहीं मिलेगा। डे नाइट फीचर वाला इनसाइड रियर व्यू मिरर मिल जाएगा, और वैनिटी मिरर है इस साइड पे दिया हुआ है इसमें ये टिकट होल्डर। सेफ्टीज़ की बात करते हैं तो दोस्तों किया की किसी भी गाड़ी में आपको कोई भी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको सभी गाड़ियों में 6 एयर बैग्स वाली सेफ्टी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे चेक करिए तो इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल वाला देखिए बटन दे रखा है, जिसमें जो है व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जैसे फीचर्स मिल जाएंगे, हिल असिस्ट कंट्रोल दे रखा है, चारों डिस्क ब्रेक्स आपको मिलेंगे, इवन जो है यहाँ पर देखिए तो डाउन हिल ब्रेक कंट्रोल भी मिल जाएगा। तो देखिए सेफ्टीज़ में काफ़ी सारे फीचर्स आपको यहाँ पे सेफ्टी वाइज मिल जाते हैं। इवन इस साइड पे देखिए तो आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला फीचर भी दिया हुआ है, अगर आपने इसको ऑन करके रखा हुआ है तो गाड़ी ऑटोमेटिकली आइडल कंडीशन पे आती इंजन को बंद कर देगी, जैसे हम क्लच को प्रेस करेंगे वापस से स्टार्ट हो जाएगा, इस तरीके से फ्यूल की बचत होती है। ट्रांसमिशन आपको और दिखा देता हूँ, तो देखिए ये मैं आपको पेट्रोल 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे दोस्तों गाड़ी चेक करा रहा हूँ, इसमें रिवर्स गियर डालूंगा। तो देखिए पीछे का कैमरा शुरू हो गया और एडाप्टिव गाइडलाइंस के साथ ये कैमरा दिया हुआ है, सेंसर का डिस्प्ले इसमें देखिए यहाँ पे क्लस्टर पे दिखा रहा है। तो दोस्तों मैंने आपको चेक करा दिया किया कारंस ग्रेविटी एडिशन। प्राइस वाइज बात करते हैं तो देखिए ये जो पर्टिकुलर गाड़ी मैं आपको दिखा रहा हूँ, पेट्रोल 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन पे, इसका एक्सोरूम कॉस्ट है 12,09,900 रुपीज़। सारे एक्सपेंसेज ऐड कर दें तो ये यूपी में पड़ती है अराउंड 14 लाख रुपीज़ की। बाकी भी मैंने प्राइसेज मेंशन कर दिए हैं, अगर आप टर्बो IMT लेना चाहते हैं या फिर डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन लेना चाहते हैं, जितने भी फीचर्स मैंने आपको दिखाए, जितने भी ग्रेविटी एडिशन के एक्सक्लूसिव फीचर्स बताए हैं, वो सब कॉमन है तीनों ही ट्रांसमिशन यानी तीनों ही इंजन चॉइसेस में। तो दोस्तों कैसी लगी गाड़ी हमें बताइएगा, कैसा लगा हमारा वीडियो ये बताइएगा। मैंने तीनों ही वेरिएंट्स कवर कर लिए हैं, मैं रेगुलर बेसिस में आपके सामने जो भी ऑटोमोबाइल्स में अपडेट्स आते हैं वो लाता रहता हूं, तो इनके नोटिफिकेशन चाहते हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। मिलते हैं बहुत जल्द अपने नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।